हेलो गाइज, मैं हूँ राजेश। कंप्यूटर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है लेयर। तो गाइज, लेयर को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 90% काम हम लेयर पे करते हैं। तो लेयर को अच्छे से समझने के लिए यहाँ से हम रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक शेप तैयार करेंगे। इसके बाद इसमें हम यहाँ से कलर फिल कर देंगे। यहाँ पर जो ऊपर रेड कलर है इसे हम फोरग्राउंड कलर कहते हैं और यहाँ जो व्हाइट कलर है इसे हम बैकग्राउंड कलर कहते हैं। तो यहाँ से इसमें कलर फिल करने के लिए अल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करेंगे और इसमें कलर फिल हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एलिप्टिकल मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर से हम एक शेप ले लेंगे और इसमें यहाँ से अलग कलर फिल कर देंगे। यहाँ से हम पीला कलर ले लिए और अल्ट प्लस बैक स्पेस से इसमें फिल कर देंगे। फिर से कंट्रोल प्लस डी करेंगे, ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम मूव टूल पे क्लिक करेंगे और इसे हम यहाँ से मूव करेंगे। जब हम इसे मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट कलर, ये रेड कलर और ये पीला कलर, ये तीनों एक साथ यहाँ से मूव हो रहा है। जब हम इसे कंट्रोल प्लस टी करेंगे ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ से छोटा बड़ा करेंगे तो ये तीनों एक साथ छोटा बड़ा होगा, क्योंकि अभी हम एक ही लेयर पे ये फिगर भी तैयार किए हैं और ये फिगर भी तैयार किए हैं। तो गाइज, हम जो भी काम करेंगे एक न्यू लेयर पे करेंगे। तो हम यहाँ से कंट्रोल अल्ट और जेड से यहाँ से अंडू करते हैं, ये अंडू हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेयर की बटन है, इस पर क्लिक करके एक हम न्यू लेयर ले लेंगे और फिर से यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसमें कलर फिल कर देंगे। अल्ट प्लस बैक स्पेस इसमें कलर फिल कर देंगे, कंट्रोल प्लस डी से डी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ फिर राइट क्लिक करेंगे और एलिप्टिकल मार्क्यू टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ से हम एक शेप तैयार करते हैं और इसमें यहाँ से अलग कलर फिल कर लेंगे। इसके बाद फिर से कंट्रोल प्लस डी करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मूव टूल हम सेलेक्ट करेंगे और इसे मूव करेंगे तो आप सिर्फ यही मूव हो रहा है। इसके बाद फिर हम इस पर क्लिक करते हैं और इसे यहाँ से मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं सिर्फ यही मूव हो रहा है। तो गाइज, अलग लेयर पे काम करने का फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल इस शेप को यहाँ से हमें छोटा करना है तो यहाँ से कंट्रोल प्लस डी सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ से छोटा कर सकते हैं। इसे यहाँ से मूव करके इधर लाना है तो इधर मूव करके ला सकते हैं। अगर हम एक ही लेयर पे ये फिगर ही बना देते, ये फिगर ही बना देते तो एक साथ ये दोनों मूव होता, एक साथ छोटा बड़ा होता। बट अभी हम अलग अलग लेयर पर काम किए हैं तो इसको अलग तरह से हम एडिटिंग कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और फिर इसे हम अलग तरीके से कर सकते हैं। फिर इसे हम कंट्रोल प्लस डी करते हैं, इसे छोटा करके हम इसे इधर सेट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि न्यू लेयर पर काम करने का कितना फ़ायदा है। तो इस तरह से गाइज, हम जो भी काम करेंगे एक न्यू लेयर पर करेंगे। अब लेयर को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कुछ पिक ओपन कर लेंगे, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब हम इस फिगर पे यहाँ क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से मूव करके इस पे ला करके यहाँ छोड़ देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लेयर सबसे ऊपर आ गया और बाकी का लेयर था वो इसके नीचे चला गया। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेयर जो सबसे ऊपर रहेगा वो लेयर सबसे ऊपर आएगा, उसके नीचे जो लेयर है उसके नीचे जाएगा, उसके नीचे जो लेयर है उसके नीचे रहेगा और यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर सबसे नीचे रहेगा। तो अब हम चाहते हैं कि इस लेयर को यहाँ से सबसे नीचे लाने के लिए तो इस पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक करके इसे खींच करके नीचे ला के इसे छोड़ देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लेयर यहाँ पे नीचे में आ गया, इसके ऊपर ये पीला लेयर है, इसे हम यहाँ से मूव करेंगे तो ये इसके ऊपर रहेगा। इसके ऊपर ये लेयर है तो इसे हम यहाँ से मूव करके लाएंगे तो ये पीला के ऊपर में आ जाएगा। तो इस तरह से लेयर काम करता है।
तो गाइज आप जो भी वर्क करें एक न्यू लेयर पे करें, ताकि बाद में आपको उसे एडिट करने में आसानी हो। अब फॉर एग्जांपल इस लेयर में हमें एडिटिंग करना है, इसे छोटा बड़ा करना है, इसमें फिट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अलग लेयर बन के आया है। तो यहाँ से हम कंट्रोल प्लस टी करेंगे और जब हम इसे छोटा बड़ा करेंगे तो सिर्फ यही छोटा बड़ा होगा, इसके साथ ये लेयर छोटा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम हर एक इमेज को एक अलग एक न्यू लेयर पे काम किए हैं। तो यहाँ से इसे छोटा कर लेते हैं और इसे यहाँ से फिट कर देते हैं इस तरह से। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि लेयर आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम जैसे जैसे वीडियो आती जाएगा लेयर के बारे में आप अच्छे से समझते जाएंगे, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे लेयर के बारे में बेहतर से आपको समझ में आता जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल पर मिलता रहेगा और आप घर बैठे मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाएंगे।